ऐसे भाई कुछ है नहीं, बस अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ एंड पता नहीं लगा कितनी जल्दी 2 साल निकल गए हैं। बस वही है, उनको फिर एंजॉय कर रहा हूँ, तो फिर की कोशिश करता हूँ कितना एंजॉय कर सकता हूँ और प्रेजेंट को कितना प्रेजेंट में रह सकता हूँ, चाहे हाईज आए लोज आए करीब में, बस उस चीज़ को एंजॉय करूँ एंड सीखता रहूँ चीज़ों से। तो वही फोकस होता है, वही जैसे मैंने आपको बताया कि सर जहाँ भी मौका मिले, जहाँ पर भी जो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी वेन्यू हो, ये कोशिश रहती है कि अपना बेस्ट दूँ एंड टीम को मैच सीखा। डिफरेंस यही है भाई कि जब इतने ओवर डाल के आते हैं आपको 4 ओवर काफ़ी ईजी लगते हैं कि बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया सर, तो यही है। बाकी मज़ा आता है काफ़ी, क्योंकि पिछले मैच से पहले भी यही बात की मैंने कि एज अ बॉलर काफ़ी मज़ा आता है कि जितनी जल्दी आप अडेप्ट कर सकते हैं, चाहे वो कंडीशन हो, सिचुएशन हो, ग्राउंड डायमेंशन हो या फॉर्मेट हो, तो काफ़ी मज़ा आता है। बंदा अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करता है, चेक करता है कि कैसे अलग अलग तरीके से विकेट ले सकते हैं एंड कैसे प्रेशर सिचुएशन में मैं क्या अपने नई चीज़ें लेके आ सकता हूँ। तो अलग अलग फॉर्मेट में बंदा सीखता है। अब लाल बॉल खेलते आपके पास पेशेंस आता है, यहाँ पर आपको इतना पेशेंस नहीं रखना है, आपको एक मूव करना पड़ता है कि बैट्समैन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो यही है बस कि कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकता हूँ एंड अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं भाई कि ड्रेसिंग का माहौल बहुत शानदार है, तो इवन कोचिंग स्टाफ सब ऐसे ही हैं कि जैसे अभी मॉर्निंग से बात हो रही थी उस दिन, तो उसको मैंने ऐसे ही मजाक में बोला कि यू आर ओल्ड एंड ऐसे ऐसे, तो बोला कि फॉर एवर यंग हूँ मैं भी तुम्हारी एज का ही सब ठीक। तो यही हंसी मजाक चलता रहता है एंड उसी में हम एक दूसरे से इतना सीख सकते हैं, चाहे वो कोचिंग स्टाफ में प्लेयर्स हों या फिर वो प्लेयर्स हों। तो कोशिश यही है कि एज अ यूनिट, एज अ टीम कितना हम ग्रो कर सकते हैं और कितना एक दूसरे से सीख सकते हैं, तो वही फोकस है मेरा जो जिंदगी जीने का लाइफ जैसे मंत्र है। तो यही है कि प्रेजेंट में एंजॉय करूँ, प्रेजेंट में रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा एंड अब यही कोशिश रहती है जैसे आज मेरा रेस्ट डे है तो बस मैं रेस्ट पर एंजॉय करूँगा एंड कल का कल देखेंगे। एंड आप तो 2 साल दूर की बात कर रहे हैं, इतनी दूर की कभी सोची नहीं है मैंने, तो कोशिश यही करता हूँ प्रेजेंट को एंजॉय करूँ एंड मज़े लेता रहूँ। टेंशन वेंशन बाकी सब ले रहे हैं उनको लेकर। अभी भाई 2 ही दिन हुए मेरे को नए बॉलिंग कोच के साथ, तो अभी इतनी बात हुई नहीं है, लेकिन अभी वही है, शुरुआत हुई है, अभी दोस्ती बननी शुरू हुई है, धीरे धीरे सीक्रेट्स खुलेंगे तो पता लगेगा कैसे हैं एंड देखते हैं फ्यूचर में काफ़ी मज़ा आएगा। अभी वही टाइम सैंपल काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं पता है सर मैं सोच के नहीं आया था यहाँ पे इतने रन बढ़ेंगे, अब आपने मेरे मन में डाल दिया वही उनकी बात। मैं तो आज का रेस्ट एंजॉय कर रहा था, अब आपने प्रेशर डाल दिया मेरे को, सोचना पड़ेगा कल के लिए। लेकिन यही है, चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करते हैं काफ़ी एंड वही जो मैच से पहले प्लानिंग होगी उनके बैटिंग के हिसाब से या विकेट के हिसाब से, तो वो उस दिन पे कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं विकेट के हिसाब से। अगर स्विंग हो रहा है तो उसको यूज़ किया जाए, अगर स्लो साइड पे पिच को से यूज़ किया जाए, तो कोशिश यही रहती है कि आप न्यूट्रल माइंड सेट से आते हैं मैच खेलने, उसके बाद जितनी जल्दी अडेप्ट कर सकें दूसरी टीम से पहले अडेप्ट कर सकें तो फिर वो वही टीम जीती जाता है। कोशिश यही रहती है कोई फिक्स माइंड सेट से नहीं आते हैं। स्पेसिफिक ऐसा कुछ खास था नहीं उसमें भाजी, बस अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहा है कि पहले नेट जो लगा था वो दूसरी एंड से लगा था, अब मेरे को इस एंड से भी होल्ड डालना था तो मैंने इधर डाल लिया क्योंकि नेट्स एक साइड से चल रहे थे, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं था कि इधर से होल्ड डालना है मेरे को, क्योंकि ब्रीज एक साइड का था तो मेरे को वो देखना था कैसे काम कर रहा है उधर से। एंड वही आपको बताया अभी मज़ा आ रहा है, नई नई बातें कर रहे हैं उनके साथ, पूछ रहा हूँ उनका क्या माइंड सेट रहता था एज अ बॉलर एंड क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उनके साथ। ये साल वाले IPL में सर हमारा मैच हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो स्कोर देखे हैं इस बारे IPL के तो ऐसा मन किया नहीं विकेट देखने का मेरा, लेकिन वही कल आएंगे देखेंगे फिर असेस करेंगे कि क्या बढ़िया प्लान हो सकता है यहाँ पे। कप्तान साहब और कोच साहब चेक करेंगे विकेट एंड अपना प्लान शेयर करेंगे।